शुभन यार क्या कर रही है? दो पॉइंट दो करोड़ हो गए धोनी जितने आगे। MI वर्सेस GT, GT जीते। माहौल देखो गाइस क्या बना हुआ है। ऑरेंज कैप मैन। एक किलो की बिरयानी कराई थी सारी खा गया। Hey guys, good morning and welcome back to my channel. वैसे ये मेरी गुड मॉर्निंग नहीं है, मेरा फोन ना चार्जिंग में नहीं लग रहा है गाइस। एक तो कूलर मैं आपको वो बंद कर देती हूँ, आवाज नहीं आएगी। मेरा फोन रात से लेकर चार्जिंग में नहीं लग रहा है। वैसे तो मेरा जो चार्जर है ना, ये देखो, वैसे तो मेरा चार्जर भी इतना ज्यादा टूट चुका है, बट फिर भी मैं कुल्लू के चार्जिंग से देख रही थी, उससे भी नहीं लग रहा है। पता नहीं इसको क्या हो गया। वैसे मेरे से ना ये बहुत बार गिर भी गया है, तो फोन में मेरे जो है ना वॉल्यूम भी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। जैसे कुल्लू के है ना बाकी डीडी वगैरह के, वैसे नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी आती है। और मेरे को ना इसकी डाटा केबल लेनी नहीं है क्योंकि बहुत महंगी है, 1500-1600 रुपए की, मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। तो मैं पहले ये दिखा रही हूँ कि क्या पता चार्जर में मेरी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि चार्जर तो कोई भी नहीं लग रहा है। तो मैं अभी जाऊँगी थोड़ी देर में 22 की मार्केट, वहाँ पे फ़ोन वगैरह की मार्केट है। देखो कितनी गर्मी लग रही है, अगर थोड़ी देर कूलर नहीं चलेगा तो। बस मैं इसलिए अभी थोड़ा सा मैं पोहा बनाया, ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, और फिर थोड़ी देर में मैं निकलती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ और दिखाती हूँ अपना फ़ोन। तो गाइज ये देखो मेरा पोहा कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है। मैं इसमें ज़्यादा मूँगफली डालती हूँ क्योंकि मुझे मूँगफली बहुत ज़्यादा पसंद है। Hey guys, तो मैं आ चुकी हूँ गाड़ी में और अभी हम जा रहे हैं 22, जा क्या रहे हैं, पहुँचने वाले हैं। ये देखो ये 17 की मार्केट आ गई है। 22 है मुझे। 17 का 17। अच्छा ठीक है, ये 22 की मार्केट है। मेरे को 8 साल हो गए चंडीगढ़ में, भी पता नहीं लगता कि कौन सी मार्केट है। ऐसे मुझे पता होता है कि पर नाम से नहीं पता। ओके तो अभी हम गाड़ी लगाने जा रहे हैं, उसके बाद फोन दिखाएंगे। फोन अभी भी चार्जिंग में नहीं लग रहा है, यहाँ पे रख के ही चार्जिंग हो रही है, फोन में वायर वगैरह लग नहीं रही है। तो अभी ये टेंशन भी है कि अगर फोन ठीक वगैरह करवाएंगे तो इसका डाटा ना उड़ जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारा डाटा है। तो लेट्स सी अब फोन का क्या होता है, देखते हैं। तो मुझे अब इस टाइम बहुत भूख भी लगी है क्योंकि लंच का टाइम हो गया, 2 बजने वाले हैं। तो अभी हम कुछ खाएंगे भी, वैसे मैं एक अभी शेक पीकर आई हूँ। तो गाइज अभी है हम 17 की बस स्टैंड के पास, ये देखो। फिर यहाँ से ना अंडरग्राउंड रास्ता है सीधा 22 की मार्केट के लिए, वहीं जा रहे हैं अभी। तो गाइस ये देखो अंडरग्राउंड रास्ता 17 सेक्टर से सीधा 22 पहुँचाएगा हमें। गाइस थैंक गॉड कल परसों ना मौसम थोड़ा ख़राब था, बारिश हुई थी, वरना आज भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ है अभी। ये देखो 2 मिनट में निकल गए 22 की मार्केट, बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, हमेशा क्राउड रहता है। तो गाइज अभी हम आए हैं फ़ोन ठीक करवा के, फ़ोन तो चार्जिंग तो लग गई, और मतलब उसमें पता क्या हुआ था कि हम इतना जब घूमने वगैरह जाते हैं ना, तो जैसे पानी में जाते हैं या कहीं धूल मिट्टी, पता नहीं उसमें कुछ मिट्टी वगैरह फंस गई थी, इसलिए वो ऊपर मतलब प्लग ना लग नहीं रहा था क्योंकि अंदर बहुत सारा मिट्टी हुई थी, तो उसमें लग गया काफ़ी टाइम। तो वहाँ पर हमने शेक वगैरह पिया क्या, और अभी ना 3:30 हो गए, तो अब हम जा रहे हैं लंच करने। लंच में आई थिंक मेरे को तो डोसा खाना है और कुल्लू को तो पता नहीं क्या खाना है, तो कुल्लू को शायद बिरयानी खानी है, मैं नहीं खाती, आई एम वेजिटेरियन। वैसे हमें ना अलग अलग खाना पड़ रहा है क्योंकि कुल्लू ने खानी है बिरयानी, उसकी बिरयानी मिलती है वहाँ, खा नहीं रहा है गधा मेरे साथ डोसा, और मुझे खाना डोसा, मेरा डोसा मिलता है वहाँ, कोई बात नहीं, बट मैं बिरयानी खाऊंगी नहीं अब। अभी मैं कुल्लू के साथ इसका वेट कर रही हूँ, उसके बाद मैं खाऊंगी। सी इतना सारा अकेले खा जाएगा, इतनी सारी तो दिख रही है इसमें, और कितनी चाहिए मिक्स है क्या, जल्दी खा, मुझे बहुत भूख लग रही है, 4 बज गए। ये कट कर लियो, मम्मी देख लो ये कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। सो गाइस मैं आ चुका हूँ बिरयानी खा के, भूख बहुत ज्यादा थी लगी हुई, मोटी मोटी भूख थी लगी हुई, और फिर खाना भी मोटा ही खा गया। 1 किलो की बिरयानी कराई थी, उसमें से आधी जैसी कटोरी रह गई, बाकी सारी खा गया, पेट फूल गया मेरा, गुलाबी कर रहा है, और अब पनीर खाने आया हूँ, खा ले, खा रहा हूँ, थोड़ा सा खा ले, मैं नहीं खा सकती इतना, मैंने सोचा एक खाएगा तू, इधर देख यार, मैंने अभी तो बोल रहा था खाएगा, गाइस ज्यादा खाने वाला बन रहा है, देखो खा नहीं रहा है अब। क्या है गाइस अभी खाना खा के आए, फिर भी पता नहीं क्या है कि अभी भुट्टा खाना है बोलती, क्या वही है जो उधर मिलते हैं रिलायंस वगैरह में, तो खाना है एक एक कर लेते रेते में, ये उबली हुई है ना, मिर्च मुर्च से लगा के मसाला, कितने की है एक?
एक कर दे, एक ठीक है। तो नहीं खाएगा ना, मैं गुल्लू और दादा खा लेंगे। टेस्ट करो फिर, टेस्ट तो करो दादा, तुम खा लो एक, मैं दो कर दूं। गाइस अभी देखो भूख बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये वाला भुट्टा भाई मेरे को इतना टेस्टी लगता है ना, दीदी के पास जाती थी मैं डेली, वहां खाती थी मैं ये भुट्टा, पर मुझे यहाँ मेरे को पता नहीं था कि यहाँ मिला, अभी हमें रास्ते में चलते चलते मिला। मेरा इतना बड़ा है देखो, इसका इतना छोटा सा है, मैं इतना बड़ा खा रही हूँ। कौन सी नाटी है, कैसे की होता है, चल पड़ा है शुभमन गिल की सेंचुरी हो गई है, 99 हो गया, मतलब एक होने वाला है। 2.2 करोड़ हो गए, धोनी जितने आ गए फाइनल में, कितने आएंगे मुझे लग रहा है 3 करोड़। जब धोनी आएगा गाइस मैं तो चाहती हूँ ये वाला MI वर्सेस GT, GT जीते, क्योंकि GT को कोई अभी तक मिला नहीं है ऐसे प्रधान जैसे, क्योंकि MI तो दवाई ना इसमें, जब वो हारी तो इसलिए मैं चाहती GT जीते, पर फाइनल में चाहती हूँ CSK जीते। तू क्या चाहता है फाइनल कौन जीते, धोनी? मैं धोनी की फैन हूँ ना, उसके बाद से यही बोलता, हाँ धोनी सही है, धोनी सही है, पहले ही बोलता था कोई और, विराट कोहली तो है सेकेंड में, फर्स्ट है लेकिन मेरा धोनी फेवरेट। यार क्या कर रहा है ये, 116-52 बॉल में, इस ओवर में इसके हुए 16 रन, 3 बॉलों में 16 रन भाई, विशाल स्कोर बनेगा आज 233, मुश्किल लग रहा है मुझे मुंबई का जितना। ऑरेंज कैप मैन, अभी हम 3v2 आए हैं लेकिन हमें यहाँ पे स्क्रीन नहीं मिली थी, सारे अपने अपने हाथ में फोन लेके मैच देख रहे हैं, जितने भी लोग हमें यहाँ दिख रहे हैं। स्क्रीन ही नहीं मिले, हम स्पेशलिस्ट से आए थे कि यहाँ पर स्क्रीन लगी होगी, तो हमने सोचा हम यहीं पे डिनर कर लेते हैं, फोन भी देख रहे हैं मैच, और मैंने बोला था कि नहीं लगी होगी स्क्रीन, वो पंजाब के लिए लगी होती है अगर पंजाब का मैच है, हैं? देखो हमारा डिनर आ चुका है, अभी रोटी आना बाकी है, और यहाँ लगा है मस्त क्रिकेट, पर लग रहा है कि मुंबई हार जाएगी, इजीली नहीं हारनी चाहिए, मतलब टफ होना चाहिए तब मैच देखने का मजा आता है। गाइस तो मेरा डिनर हुआ है, तिलक अभी आउट हुआ है, क्या खेला यार तिलक, स्टार्टअप अच्छा दे दिया इसने, 39 कितना रन बनाया इसने, 20 कुछ बॉलों में है ना, 12 अगर ज़्यादा चलता तो, पर हम भी MI जीत सकता है अगर 2 दिन प्लेयर और ऐसे खेले, मुझे सबकी फोटो मिलती है, मोदी नहीं है इसमें है ना, गाइस फाइनली हमें स्क्रीन मिल गई, कुछ नहीं है गाइस, सूर्य कुमार चल रहा है अभी तो, उसको बोल रहा है जो टिक के खेल, अभी तो चल ही नहीं रहा, अभी पता नहीं लग रहा है कौन जीतेगा कौन नहीं, बट मेरी साइड से तो GT जीतनी चाहिए, फाइनल CSK जीतनी चाहिए। माहौल देखो गाइस क्या बना हुआ है, इतने लोग आए हैं, गाइस सूर्य आउट, मुंबई अब हार जाएगी, सूर्य पी थी सारी उम्मीद लड़की और क्या खेला है सूर्य। गाइस हमने तो लाइट बंद करके हम आराम से सो रहे हैं, मुंबई हार गई और GT जीत गई जो मेरा दिल कहता था, एकदम से जज्बात पलट गया, मैं यही चाहती थी कि क्योंकि GT ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, RCB रॉक्स रॉक्स CSK फाइनल जीत गए, तो मजा आ गया, जीतेगा धोनी है तो जीतेगा।